टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सयाती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। शोपियान में इलाके की गरीब लड़कियों की बहबूद की खातिर एक चिल्ड्रन केयर होम सेंटर का इजरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, जिसका आगाज 14 लड़कियों की देखभाल से हुआ है। इस सिलसिला में एक खसूसी रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे 40 बच्चों के रहने की जगह है। हमने सारा उनका अरेंजमेंट, बोर्डिंग, लॉजिंग, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, जो खाना पीना है, उनका एडमिशन फीस, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ का सारा अरेंजमेंट रखे हैं। तो अभी तक एज ऑन डेट हमारे पास 14 बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। जहाँ से भी हमें कोई एलिजिबल बच्ची लड़की मिलती है या हमारे पास आती है, उनके एक थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू, तो फिर हमारा उसका एडमिशन होता है होम में। हमें उतना और उधर उतने अच्छे स्कूल भी नहीं, फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए हम इधर आए। गरीब बच्चे हैं, इसे गवर्नमेंट ने हमें इधर इतनी अच्छी फैसिलिटी दिया। लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर भी है, और हमें रात सोने के लिए जगह भी इधर अच्छी है। हम बहुत अच्छी तरह यहाँ रहते हैं, हमें सब कुछ अच्छा देती है। सर, हमको यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, हमको यहाँ पे बुक, पेन, पेंसिल, सब कुछ का नोटबुक मिलते हैं यहाँ पे। किताबें वर्दी मिलती है आपको? यस सर, हमको सब कुछ मिलता है। गवर्नमेंट ने कितना अच्छा कदम उठाया है आप लड़कियों के लिए, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट? सर, बहुत अच्छा कदम उठाया हम गरीब लड़कियों के लिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने ज़राती शोबा की तरक्की की गर्ज से एक नुमाइश का इनेकाद किया। डल लेक पर वाक़िया शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मकसद किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी और सरकार की नई स्कीमों से आगाह करना था।
आज की डेट में हमारे जो हाक साग है यहाँ का, ये पूरी इंडिया में मशहूर है। यहाँ के ब्रोकोली जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, लोग समझ भी नहीं पाते थे कि कश्मीर में ये सब हो रहा है। इन्हीं चीज़ों से, ऐसे जो एग्जीबिशंस हो रहे हैं, तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बहुत अहम है, हमें पता लगा दूसरों क्या करते हैं, वो क्या पैदावार करते हैं, तो हमें इस पर पता लगता है, अपनों की पता है और दूसरों की पता लगता है, ये हाँ सीखते हैं। तरह की ये जो कन्वेंशन होती हैं, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं, डेफिनेटली ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि जो सरकारी मशीनरी है उनको भी डायरेक्ट फीडबैक मिलता है कि फार्मिंग कम्युनिटी की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको किस तरह के सॉल्यूशंस वो खुद प्रपोज कर रहे हैं। अट्ठाईसवीं नेशनल मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज श्रीनगर में हुआ। इस टूर्नामेंट को तावुन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने फराहम किया है। इसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने किया। इस टूर्नामेंट में भारत की 35 रियासतों से आए 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आज यहाँ पे 28th नेशनल मास्टर्स चैंपियनशिप टेबल टेनिस की हो रही है। आप देख रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सेटिंग वी हैव। तकरीबन 1200 से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, फ्रॉम 35 स्टेट्स, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री दे आर हेयर, जो यहाँ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इंडोर स्टेडियम इज। इनफैक्ट मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था एंड दे वर टेलिंग मी दे ट्रूली फाइंड दिस टू बी वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज इन द कंट्री। Table tennis national, so it's really beautiful. I'm so happy I have come here, and the people are here so amazing. Itne acche log hain, itna acha laga, and I'm here for the first time.
विविधताओं के कारण आने वाले समय में ऐसे और भी हमारे खिलाड़ी जम्मू कश्मीर का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करेंगे, वही हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। गुज़िश्ता दिनों वैष्णो देवी यात्रा का फिर से आगाज हुआ तो यात्रियों के जज्बे को इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है। देहरादून से आए हैं माता दर्शन के लिए। 9-10 घंटे यात्रा रुकेगी, अब कैसा लग रहा है? तो कोई बात नहीं, तो मौसम है इसके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, खुशी है, बहुत खुश है, हम माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आखिर में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में वोटर्स लिस्ट की तैयारियों के हवाले से। जैसा कि नई वोटर्स लिस्टें और नई हदबंदियों की बातचीत चल रही है, तो क्या इसका ये मतलब है कि जम्मू कश्मीर में रियासती इलेक्शन के मंसूबे बन रहे हैं? आइए इस सिलसिले में एक रिपोर्ट देखते हैं। एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के लिए। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी, जहाँ पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, आर्मी में है, वो वहीं से अपना पोस्टल बैलेट दर्ज कर सकते हैं जब भी इलेक्शन होता है। ऐसे ही काफ़ी लोग देश के दूसरे हिस्सों से भी यहाँ पोस्टेड हैं, तो उनको भी एक ऑप्शन है, अगर वो पीस स्टेशन में पोस्टेड हैं तो वो यहाँ का भी वोट अपना बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू में पीस स्टेशन है, अगर यहाँ किसी की पोस्टिंग है बाहर का आर्मी या आर्म फोर्सेज में, अगर वो ऑप्शन रखता है कि मुझे यहाँ वोट बनवाना है, तो वो भी यहाँ का वोटर हो सकता है। कम हो गई थी, 83 हो गई थी, डिलिमिटेशन के बाद 90 सीट्स टोटल हो गई हैं असेंबली में J&K यूटी की, और जिसमें से 7 रिजर्व हैं, जैसे पहले भी 7 थी अभी भी 7 है शेड्यूल कास्ट के लिए, और पहली बार शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन हुआ है, जो 9 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया।
टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।